कथा की प्रेमी से कहने आज मैया की गोद में उठाया लाला से एक बात कही लाला मेरी बात सुन। घर में बहुत सी मेवा है और बेटा बड़ी मुश्किल से मैं तुझे देखा है, तू मां का मत खाया कर, ये तू मां का खाएगा तेरी भूख मर जाएगी, भूख मर गई तू जल्दी बड़ा नहीं होगा, मेवा खाया कर तू अब शीघ्र बड़ा हो जाएगा बेटा, मैं तुझे बड़ा देखना चाहती हूं, माखन मत खा, माखन मत खा, मैया मना करती है और भगवान कहते मैया मुझे तो माखन ही अच्छा लगता है। अच्छा माखन है क्या जो भगवान को प्रिय है? महाराज माखन है तत्व, दूध का साथ और भगवान को तत्व बहुत प्रिय है, तत्व ज्ञानी से भगवान बहुत प्रेम करते हैं, जो दुनिया का तत्व है भगवान उससे अतिशय प्रेम करते हैं। आज मैया मना करती है और ब्रज की गोपिकाओं को खबर मिली है, आपस में देवी देवता मनाने लगी, कहने लगी बहना कन्हैया माखन खाना चाहता है, लेकिन हमारी जिंदगी का वो दिन कब आएगा जब कन्हैया हमारे घर आकर हमारा माखन खाएगा। आप देखो ब्रज की गोपिकाओं का प्रेम भगवान के लिए, टीका दिन माखन खाइबे, अरे आबे गो मेरा प्राणो कृष्ण कन्हैया रे दास, कि वो हमारी जिंदगी का दिन कब आएगा जब कन्हैया हमारे घर माखन खाने आएगा। एक सखी कहने लगी, अरे क्या दिन श्याम लोरी पाऊं, बाई घर में ले आऊं खेती के हंसे हंसे माखन भोग लगावे, बड़ा बड़ा है, अरे घर में चोरी कर कर खावे, अरे घर में चोरी कर कर खावे, मेरे घर कब हूं नहीं आवे, के कहे गए
माखन खाइए। और ये आस, ये विश्वास, ये भरोसा हमारे एक जन्म का नहीं है, कब का है? अरे जन्म जन्म के आस लगाई, जन्म जन्म के आस लगाई, और कभी जय हिंद करिए कभी ताई। अब तो कही गए कब पार लगावे को मेरा प्यारों से नहीं यार, कही गए देवी देवता बना रही है कि प्रभु आइए हमारे घर का माखन खाइए। और लोग एक बात कहते हैं कि प्रभु ने व्रत में रह के माखन चोरी की, और कथा बता रही है चोरी नहीं की है, भक्त बना रहा है, और भक्त बनाए और भगवान में जाए, ऐसा कभी नहीं होता। भक्त बजाता है भगवान जाते, और जिस गोपी के घर में घुस जाते वही गोपी माखन की मटकी निकाल के घर के आंगन में रख देती है, भगवान भोग लगाते हैं, गोपी जीवन को धन्य मानती है, प्रभु ताता थैया करके नाचे फिर अपने घर चले आए। भक्तों के बुलाने पर भगवान जा रहे हैं, विशुद्ध प्रेम है ब्रज की गोपिकाओं का, चलते फिरते संसार का कोई भी काम करते समय गोपिकाओं का चित्त कहां लगा रहता है? श्री कृष्ण में। यही तो भक्ति की परिभाषा है, मैंने कई बार बताया है, आज पुनः बता रहा हूं। संत कहते हैं कि कर से कर्म करो विधिराना और मन राखो जा कृपा निधाना। संसार में कर्म करते हुए चित्त ईश्वर के चरणों में रखिए, इससे बड़ी भक्ति संसार में है नहीं। यही तो ईश्वर राम की भक्ति है, नवदा भक्ति का वर्णन किया भागवत महापुराण में भगवान वेदव्यास ने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु ईश्वर पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यमात निवेदनम। कथा सुन रहे हो, श्रवण नाम की भक्ति मिल रही है, कीर्तन आता है बीच बीच में, आप लोग गाएंगे मेरे साथ ये कीर्तन नाम की भक्ति, और कथा सुन के प्रभु की छवि को हृदय में बसा लिया, श्वास प्रश्वास पर उसी रूप का आप दर्शन कर रहे हैं, ये स्मरण भक्ति है और सबसे उत्तम भक्ति है। जिसे ये भक्ति प्राप्त हो जाती है उसे संसार का सुख नहीं चाहिए, वो तो उसी में आनंदमग्न रहता है। गोपिका का वही प्रेम है। एक दिन एक गोपी माखन बेचने जा रही थी, और आप देखो भाव क्या था गोपी के हृदय में। अरे पायल पग में, भगवान गोपी के घर जाते हैं, जो गोपी बुलाती है, पैरों में पायल बंधी है, और प्रभु करते क्या है? उसी भक्त के हृदय रूपी आंगन में भगवान वासते हैं, जो भगवान को सच्चे हृदय से बुलाता है। अरे पायल पग में पादे, गोपियां नाच रही है भगवान के प्रेम में, यदि भगवान नाच रहे गोपिकाओं के प्रेम में, भक्त भी नाचता है। अरे पायल पग में पादे रे छम छम
नाच रे गुजरी यारे छम छम नाच रे गोपी जा रही है माथल बेचने गायिका तो वन करने तो कन्हैया की याद आ गई तो उसी का नाम ले लेके नाचने लगी समस्या है जब कभी गोपी शब्द का
गोपी शब्द की चर्चा होती है तो हम ये मान लेते हैं कि गोपी कोई स्त्री है, यही तो मानते हैं। लेकिन भागवत की कथा कुछ और बताती है। भागवत में बताया गया है कि श्री कृष्ण ब्रह्म है और गोपिकाएं जीवात्मा है। और यदि निरुक्ति के अनुसार देखें, शब्द का अर्थ देखिए, गोपी माने क्या है? गोपी इंद्रिय भक्ति रसम प्रमद नित गोपी, जो अपनी हर इंद्रिय से भक्ति रस का पान करता है, जिसकी आंखें भगवान को देखना चाहती है, कान प्रभु का नाम सुनना चाहते हैं, हाथ प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, चरण प्रभु के दर्शन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, संसार में जिसका अंग प्रत्यंग, जिसकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग गई है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उसे गोपी कहते हैं। बोलिए गोविंद भगवान।